क्या आप भी अपने लैपटॉप से परेशान हो चुके हैं और आपका जो है लैपटॉप बहुत ही स्लो काम करता है, फास्ट काम नहीं करता है और ऊपर से नेट भी ख़त्म हो जाता है, तो आपको करना क्या है मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप बहुत ही इजी तरीक़ा से अपने लैपटॉप को फास्ट कर सकते हैं और आपका जो है MB ज़्यादा कट जाता है, नेट ज़्यादा यूज हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो आप अपने नेट मतलब MB को भी बचा सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत ही स्लो काम करता है, बहुत ही धीमे चलता है, तो उसको आप कैसे 200 गुना कैसे उसको फास्ट कर सकते हैं, कैसे उसको चला सकते हैं। अगर आपका MB भी ज़्यादा खर्च होता है तो आप अपने MB को भी बचा सकते हैं। अब कैसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को फास्ट करना है, अगर आपका MB भी ख़त्म हो जाता है, जल्दी जल्दी कट जाता है और आप उससे भी परेशान हैं, तो आप अपने MB को कैसे बचाएंगे, ये सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर को फास्ट करेंगे और अपने MB को कैसे बचाएंगे। तो ये सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप को जो स्लो हो चुका है, धीमे चलता है, जल्दी ओपन करते हैं कोई फोल्डर तो बहुत धीमे से ओपन होता है, ज़्यादा लेट से आपका कंप्यूटर ओपन होता है, तो आप अपने कंप्यूटर को बहुत ही ईजिली तरीके से मैं बताऊँगा उससे अपने कंप्यूटर को आप फास्ट कर सकते हैं, वो भी 200 गुना, और आपका MB जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है और आप उससे भी परेशान हैं कि भैया हम अभी लगाए हैं, कनेक्शन किए हैं मोबाइल में कंप्यूटर को या आप मोडम से नेट चलाना स्टार्ट किए हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी मेरा जो है MB ख़त्म हो जाता है, तो वो सब आप बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उससे आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, तो कैसे करना है, क्या करना है, ये सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका कंप्यूटर स्लो है और आपके कंप्यूटर में नेट ज़्यादा कटता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखिए कि यहाँ पर आपका माई कंप्यूटर है, आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको राइट क्लिक करना है एक बार और यहाँ पर देखिए कि एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा मैनेज का, आपको इस पर डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सर्विस एंड एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और देखने को मिल रहा होगा सर्विसेज का, तो सर्विसेज वाले पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा, देखिए विंडो अपडेट का, यहाँ पे विंडो अपडेट वाले पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है यहाँ पर न्यू पेज यहाँ पर आपको ओपन हो के आ गया है। आपको क्या करना है, इसमें से आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। आप सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जनरल देख रहे हैं तो जनरल वाले पे आपको क्लिक करना है और ये आपको पहले यही आएगा, ठीक है। आपको इस समय से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये जो है एज ए टीज आपको जैसे है वैसे ही आपको रहने देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि स्टार्टअप टाइप है, आपको यहाँ पर ये जो है यहाँ ऑटोमेटिक मिलेगा या आपको यहाँ पर मैनुअल मिलेगा, ठीक है। तो मैं पहले से यहाँ पे जो मैनुअल था मैं यहाँ पे इसको डिसेबल्ड कर रखा हूँ, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में मैनुअल रहे या आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक रहे तो भैया आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर देखिए डिसेबल्ड का आपको इस पर क्लिक कर देना है। होता क्या है कि अगर आपके इसमें आपका ये जो है ऑटोमेटिक है या आपके यहाँ पर मैनुअल है तो यहाँ पर अनावश्यक आपके जो भी जो इसमें विंडोज है या आपका जो भी सॉफ्टवेयर सब है जो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होते रहता है और आपका जो भी MB है वो ज़्यादा MB आपको यहीं से कटता है, आपको पता भी नहीं होता है कि मेरा जो MB है कहाँ पे कट होके चला गया और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम जो है नेट भरा भरा के परेशान रहते हैं कि भैया 2 GB 1.5 GB वाला पैक भर दो। अब जैसे ही कंप्यूटर में आप जो मोबाइल कनेक्ट करते हैं
या आप जो है मॉडम से आप कनेक्ट करते हैं तो ये जो है आपका विंडो अपडेट ऑटोमेटिक होते रहता है या फायर अपडेट ऑटोमेटिक होते रहता है। अगर ये दोनों आपके सिस्टम में जो रहता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, ये रहे ऑटोमेटिक रहे या मैनुअल रहे, तो सिंपली क्या करना है आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, डिसेबल कर दीजिएगा तो आप जो भी नेट कटता है वो आपको नेट कटना बंद हो जाएगा और आपके सिस्टम में जो भी आपका सॉफ्टवेयर है या जो भी फाइल है वो ऑटोमेटिक जो है आपका यहाँ पे जो अपडेट नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पे डिसेबल्ड कर रखे हैं, ठीक है। तो ये बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये डिसेबल रखना है। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई वाला ऑप्शन मिल जाता है, आपको अप्लाई वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए अप्लाई हो चुका है, इसको सिंपली क्या करना है यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे इस पर ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए डिसेबल्ड है, अब यहाँ से आपको कट कर देना है, ठीक है। इसके बाद इसको दो तीन बार इसको आप क्या करना है रिफ्रेश कर लीजिए, फिर से उसी पर चलिए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ में मैनेज वाले पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको वही पेज यहाँ पर ओपन होकर आता है। यहाँ सर्विस एंड एप्लीकेशन है, इसको डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर सर्विसेज का है इसको डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सीधे नीचे आइए और यहाँ पे देखिए कि आपका विंडो अपडेट का इस पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे आपको ओपन होके आ चुका है। इसमें से आपको कोई भी दोनों में से कुछ भी रहे तो आप यहाँ डिसेबल करके अप्लाई करके यहाँ पे ओके कर दीजिएगा और आपका जो है यहाँ पे नेट कभी नहीं कटेगा जो आप क्योंकि आप यहाँ पे डिसेबल कर रखे हैं। ये बहुत ही ईजी और आसान तरीका है अपने कंप्यूटर अपने सिस्टम में अगर ज़्यादा MB ख़त्म होता है, नेट ज़्यादा करता है, अगर फास्ट नेट करता है तो आपका नेट भी नहीं कटेगा और अगर और आपका सिस्टम जो है स्लो होता है। क्यों स्लो चलता है? क्योंकि जो है ऑटोमेटिक जो है आपका फाइल जो है अपडेट होते रहता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि भैया मेरा जो है इसमें कौन सा फाइल जो मेरा अपडेट हो रहा है और कौन सा मेरा फाइल जो है अपडेट नहीं हो रहा है, तो हमको कुछ पता नहीं चलता। और जब भी हम कोई भी फाइल जो है इस तरीके से हम ओपन करते हैं तो बहुत टाइम लेता है और कुछ देर के बाद ये ओपन होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पर डबल क्लिक किया और एक बार में यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। तो ये जो है आपका नहीं आता है, आपका जो है कंप्यूटर आपका लैपटॉप स्लो चलता है। तो बस आपका यही रीज़न है कि आपका जो भी फाइल है यहाँ पे अपडेट होते रहता है, फोल्डर अपडेट होते रहता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहता है और आपको पता भी नहीं चलता है और आपका MB भी ख़त्म हो जाता है और आपका कंप्यूटर भी स्लो चलता है। सो गाइस ये सिंपल प्रोसेस है अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप को फास्ट करने का और आपका जो है MB भी ख़त्म नहीं होगा, MB भी बचेगा और आपका कंप्यूटर आपका लैपटॉप फास्ट चलेगा। तो गाइस ये बहुत ही छोटा और सिंपल ट्रिक है। गाइस ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ठोकिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से अगर आपका कंप्यूटर आपका लैपटॉप जो स्लो काम करता है और आपका MB भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है तो वो सब आप इसी ट्रिक से बहुत ही ईजिली तरीके से आप अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं और अपने MB को बचा सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।